अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी एक ट्रिकी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हालांकि अभी तक जेई मेन में पूछा नहीं गया है और एक्सपेक्टेड है कि कभी भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम है, समझिए बात को। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि i रेज़ टू द पावर ऑफ i एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये पूरा जो है आपका a प्लस आई बी के इक्वल है, और पूछा गया tan पाई a बाई टू की वैल्यू एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ये पूछा गया आपसे। अब देखते हैं कैसे वर्कआउट होगा, ध्यान दीजिए बात को। जब भी ऐसा हो कहीं पे भी तो आप क्या करें, जैसे वही वाली बात है कि सपोज आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपके पास इनफाइनाइट है, उसमें से मैं कुछ चीज ले भी लेता हूं तो उस क्वांटिटी में या उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। पैसिफिक क्वेश्चन में से एक बकेट वाटर निकाल लें तो पैसिफिक क्वेश्चन पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, वही वाली बात यहां पे है। देखिए i रेज़ टू इन्फिनिटी है, अब आप इसको जस्ट कवर कर दीजिए, जो ये वाला आई है इसको भूल जाइए। यदि आप इसको भूल जाते हैं तो ऊपर तो a प्लस आई भी एक तरह से, यदि मैं इसको कवर कर देता हूं, देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट, इसको मैं कवर कर देता हूं, यदि मैं इसको कवर कर दूं तो ऊपर i रेज़ टू द पावर i वही इन्फिनिटी तक चलाएंगे, राइट। इसका मतलब ये पूरा जो है एक तरह से a प्लस आई बी है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर से देखते हैं, इसको आप जस्ट कवर कर दीजिए, ऊपर के पावर को देखिए i, उसके ऊपर फिर पावर i, फिर पावर i, फिर पावर i एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है, तो मुझे बताइए ये अभी भी a प्लस आई बी है, ये वाली बात a प्लस आई बी है, समझने वाली बात है, a प्लस आई बी है। तो इसका मतलब मैं इसको a प्लस आई बी से रिप्लेस कर दूं तो i रेज़ टू द पावर a प्लस आई बी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि i रेज़ टू द पावर a प्लस आई बी विल बी इक्वल टू a प्लस आई बी, ये पहला ट्रिकी पॉइंट। अब अगला ट्रिकी पॉइंट देखिए, नेक्स्ट अब समझिए, i को लिखिए e रेज़ टू द पावर i पाई बाई टू, क्यों, e रेज़ टू द पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये लिखने का पर्पस क्या है, ये इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ताकि मैं LHS को cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिख सकूं, और ये LHS RHS में a प्लस ib के इक्वल है तो मैं यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकूंगा, ये मेन बात है यहां पे। तो देखिए यहां पे i को मैं लिख सकता हूं e रेज़ टू द पावर i पाई बाय 2, e रेज़ टू द पावर i पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, अब cos पाई बाय 2 0 होती है, sin पाई बाय 2 1 होता है, तो इसका मतलब i हो गया e रेज़ टू द पावर i पाई बाय 2 रेज़ टू द पावर a प्लस ib, बहुत ही बेसिक बात है क्योंकि a प्लस ib तो है ही। अब इसकी वैल्यू जो लिखेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप सिंपली, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की, इट विल बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर i पाई बाय 2 a प्लस i स्क्वायर पाई बाय 2 b, क्यों, i पाई बाय 2 को a प्लस ib से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है, समझिए a रेज़ टू द पावर b, फिर पूरे के ऊपर c है तो आप क्या लिखते हैं a रेज़ टू द पावर b इनटू c, वही वाली बात यहां पे, तो इसके ऊपर a प्लस आई बी है तो इट विल बी रिटन एज दिस वे i पाई बाय 2 इनटू a प्लस आई बी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा i पाई बाय 2 a प्लस i स्क्वायर पाई बाय 2 b, इट विल बी इक्वल टू a प्लस आई बी, क्योंकि ये पता है कि ये तो जो मैंने लिख रखा है a प्लस आई बी के इक्वल है। अब ध्यान दीजिए i स्क्वायर यहां पे किसके इक्वल होता है, -1 के। अब फिर से अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम लोग, आप ये लिख सकते हैं इसको, अब ध्यान दीजिए लिख सकता हूं cos π/2 a + i sin π/2 a cos θ + i sin θ, ये पूरी a प्लस आई बी के इक्वल है जो कि पहले से ही है। इसका मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, a रियल पार्ट है इधर का, तो इधर का रियल पार्ट कौन है, e रेज़ टू माइनस पाई बाई टू बी इंटू कॉस पाई बाई टू ए, तो ये जो है a के इक्वल हो गया, e रेज़ टू माइनस पाई बाई टू बी इंटू साइन पाई बाई टू ए ये इमेजिनरी पार्ट b के इक्वल हो गया, तो मेरे को a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब पहला निकालना था tan पाई बाई टू ए, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास tan पाई बाई टू ए रह जाएगा, और tan पाई बाई टू ए किसके इक्वल हो जाएगा, b बाई ए के, तो दैट वे tan पाई बाई टू ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, सिंपली b बाई ए के। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो tan पाई बाई टू ए विल कम आउट b बाई ए। अब कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, बहुत ही सिंपल है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, e रेस टू द पावर माइनस पाई बाई टू बी इंटू कॉस पाई बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। e रेस टू माइनस पाई बाई टू बी का होल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, जो कितना आ जाएगा, e रेस टू माइनस पाई बी आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई टू ए प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई टू ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सिंपली वन के। दैट मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू e रेस टू माइनस पाई बी। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसके अप्रोच को ध्यान में रखना जरूरी है।